तो बेसिकली आज की हमारी क्लास में हम बातचीत करेंगे आपके साथ पेस्ट स्पेशल से आगे की चीजों में, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट को, पेस्ट स्पेशल को पिक्चर कैसे करें, क्योंकि हम इसको कॉपी करके पेस्ट तो करते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ इसको पिक्चर में हो। तो पेस्ट के नीचे आपको दिखेगा पिक्चर, तो पिक्चर पे क्लिक करते आए आपका पिक्चर बन जाता है। इसको आप आसानी से जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा छोटा बड़ा घुमा फिरा कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक बड़े डेटा को छोटे एरिया में या अलग एक जगह पे फिट करना होता है, जब डैशबोर्ड प्रोग्राम बनाते हैं वहां पर हम पेस्ट एज ए पिक्चर का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहाँ से लिया सर ऑप्शन, जी कहाँ से लिया है ऑप्शन, क्या बोल रहे हैं, कहाँ से लिया है ऑप्शन, ध्यान से देखिए ना पता चलेगा आपको कि हमने क्या किया। ओके पेस्ट स्पेशल में यहां आपको दिख रहा है पेस्ट इज ए पिक्चर, ओके दिखा दिखा सर, यस सर हाँ जी देखा देखा सर। तो यहां से हम पेस्ट इज ए पिक्चर करेंगे तो पिक्चर में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये आपके डेटा से लिंक नहीं होगा, जो डेटा है आपका इस डेटा से लिंक नहीं होगा। डेटा में कोई चेंज करते हैं या कोई फॉर्मूला चेंज करते हैं तो नहीं होगा, अगर आपने डेटा चेंज किया तो फिर से वापस कॉपी पेस्ट करना होगा। तो इसका उपाय है कि आप जो है पेस्ट करते समय पेस्ट एज ए लिंक, जहां पिक्चर था उसी के जस्ट बगल में आएगा पेस्ट एज ए लिंक, लिंक पिक्चर, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर लिंक हो गया, ठीक है सर। अब यहां पे जो भी डेटा चेंज करते हैं, मैं 80 करके एंटर मारा, हाँ 80 हो जाएगा। यहां तक कि आपने अगर कोई कलर चेंज किया तो भी आपका वो हाईलाइट हो जाएगा, कलर चेंज करते ही देखिए यहाँ हाईलाइट हो गया। लिंक क्या बोल रहे हैं, लिंक हाँ लिंक कर दिया हमने, लिंक पिक्चर। मैं दोबारा करके दिखाता हूं सर, आप डेटा को कॉपी कीजिए जहां पेस्ट करना, चाहे वो सेम सीट हो, अनोदर सीट हो या कोई और फाइल हो। आप क्या करें, पेस्ट के नीचे जो ये छोटा सा एरो का निशान होता है उस पर क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इस ऑप्शन में आपके सामने यहाँ दिखेगा पेस्ट एज ए लिंक, सबसे लास्ट ऑप्शन लिंक हो जाएगा। अब लिंक हो जाने के बाद होता है कभी डेटा मेरा चेंज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया ओम का और यहाँ पे नंबर लिख दिया। अब प्रॉब्लम है कि ये तो आया नहीं इसमें, क्योंकि हमने जब कॉपी किया था तो ऊपर देखिए इसका एड्रेस है, एड्रेस दिख रहा है A9 तक का ही एड्रेस है। तो कोई बात नहीं, इसको चेंज करके आप A10 कर दीजिए, क्लिक करके चेंज करके A10 कर दीजिए, आ गया। लेकिन फॉर्मूला कब दिखेगा, जब पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते दिखेगा। आप यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें आगे जो ऑप्शन बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि क्या हम एक्सेल टू एक्सेल लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड है, और मुझे एमएस वर्ड में ये जो डेटा है ना हमको हमेशा कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, आप इसको यहां से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहां भी पेस्ट है और पेस्ट के नीचे यहां भी एक छोटा सा एरो का निशान है जिसपे क्लिक करते ही एक्सपेंड हो जाता है, और इसमें भी आपको दिखेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, ये पेस्ट स्पेशल एक्सेल का नहीं है, ये एमएस वर्ड का है। पेस्ट एज ए लिंक आपको यहां दिखेगा, इसमें आप लिंक पे क्लिक करके एक्सेल वाला पार्ट सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब आपका जो डेटा है एक तो पिक्चर की तरह बिहेव करेगा, दूसरा आपके एक्सेल फाइल से लिंक होगा। कल के डेट में अगर मान लीजिए कोई डेटा या फॉर्मेट या किसी तरह की चेंजिंग आप करते हैं तो आपका वर्ड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कभी-कभी चेंज नहीं होता है समटाइम, तो आप राइट क्लिक करके अपडेट लिंक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो आप एमएस वर्ड टू एक्सेल को लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर मान लीजिए पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट में भी सेम आप लिंक कर सकते हैं। क्या आप पहले एक्सेल पे जाके कॉपी कर लीजिए,
पावर पॉइंट पे जाइए, न्यू स्लाइड पे आइए, और यहाँ सेम जो आपका एरो के निशान था उस पे क्लिक करके, और जस्ट जैसा आपने यूज किया था वर्ड में सेम ऐसे यूज करना है और ओके कर देना है, ये आपका लिंक हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। पेस्ट द पिक्चर, पेस्ट द पिक्चर लिंक, क्लियर हो गया? यस सर। सर कौन सा वर्जन यूज करते हैं आप एक्सेल पे? कौन क्या बोल रहे हैं? सा वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल? कितना एक्सेल वर्जन का है? लेटेस्ट है, ऑफिस 365। 365। जी मेरे पास 2016 है, चलेगा क्या? हाँ, चलेगा, कुछ फीचर्स नहीं होंगे लेकिन हाँ चलेगा। ओके। क्या वो महेंद्र जी आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं सेशन? क्या आज आपका इंटरनेट भी स्लो लग रहा है। अब एक चीज, चलिए एक चीज और हम करते हैं, इसके लिए मुझे कई सारे शीट्स पे डेटा चाहिए होगा, तो मैं यहां कुछ डेटा तैयार करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल आया है, रिकॉर्ड। एक फाइल आया है और उस फाइल में मुझे, मेरे पास सेम टाइप का डेटा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शीट पे, कुछ इस तरह से है। होता होगा ना कि मान लीजिए पूरे महीने का डेटा मांगा, तो पूरे महीने के एक शीट पे कुलेट न करके हर दिन के हिसाब से अलग अलग शीट पे आपको डेटा डाल के भेज दिया। अब आपको इसमें पिवट और बाकी चीज आपको करना है। हेलो, क्या बोल रहे सर? क्या बोला सर? बोला कि मेरे पास यहां पे कई तरह के डेटा है, एक ही डेटा को कई जगहों पे तोड़ा हुआ है। अब मुझे इसको आगे फर्दर यूज करने के लिए इसको कंसोलिडेट करना है, मतलब कि एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं, डेटा शीट पे जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर शीट फोर पे जाते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं और इसके नीचे आते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर अगले शीट पे जाते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, पेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं आपका पूरा काम ऑटोमेट कर दूंगा, फिलहाल आगे इसका तरीके तो है, लेकिन फिलहाल हम इसका 50% काम आपकी कम कर सकते हैं। आप यहाँ जो क्लिपबोर्ड दिख रहा है, एक छोटा सा एरो का निशान, इस पे क्लिक कीजिए और शीट वन पे जाइए, कॉपी कीजिए। अब आपको सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी कीजिएगा, एक क्लिपबोर्ड में सारे कॉपी ऐड होते चले जाएंगे, जस्ट आपको कॉपी करना है, वन बाय वन जाइए कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे कितना कॉपी किया आपका, उसका है लिंक भी होगा। और ये एक चीज और कि दो बार कॉपी करेंगे तो दो बार कॉपी भी नहीं होगा, देख नहीं हो रहा है ना, एक ही बार कॉपी होगा, दो बार कॉपी नहीं होगा। अब डेटा हमने सारे कॉपी कर लिए, मुझे इकट्ठा पेस्ट करना है, यहां कर्सर रखेंगे और यहां पे हम कर देंगे पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल करते ही सिंगल क्लिक पे देखिए, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहां से क्लियर कर सकते थे, खाली हो जाएगा। अब सिर्फ यही नहीं, जैसे हम लोग कभी कई बार क्या होता है कि इंटरनेट वगैरह पे भी हम लोग चीज़ें देखते हैं, कई सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पे लिंक आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ आई हुई है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ से भी जरूरत पड़ती है। एक्सेल क्लासेज हमने सर्च कर लिया मान लीजिए, अब मुझे क्या करना है कि सारा लिंक जो है ना, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी करते चले जाइए, यहां पर सिलेक्ट कीजिए कॉपी, यहां यहां सिलेक्ट कीजिए कॉपी, यहां देखिए ऐड होता जा रहा है, जो जो सिलेक्ट करना है, जो आपको क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करना है, तो सिलेक्ट कीजिए कॉपी, इसको सिलेक्ट कीजिए कॉपी, इसको सिलेक्ट कीजिए जस्ट कॉपी, और लास्ट में जाइए जहां पेस्ट करना है वहां पे जाइए, कर्सर रखिए, क्लिक
क्लिपबोर्ड में आइए और पेस्ट ऑल कर दीजिए। ठीक है सर, समझ में आया आप लोगों को? सर रिपीट कीजिए सर, ये नहीं समझ आया। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर आप कहीं भी आप अगर क्लिपबोर्ड को ऑन कर देते हैं, क्लिपबोर्ड को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो आप कहीं भी कॉपी कीजिएगा ना तो इसके अंदर वो लोड हो जाता है, समझ गए ना। जनरली हमें क्या करना होता है कि हम कॉपी करके फिर पेस्ट करते हैं, फिर दोबारा कॉपी करते हैं। मान लीजिए कि हमको इसको कॉपी करके यहाँ डालना है और फिर इसको कॉपी करके यहाँ डालना है, तो आप वन बाई वन करेंगे ना। आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे, क्या क्या सर? तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कॉपी करेंगे वो सब यहाँ लोड होता है। आप बस कॉपी कर लीजिए, जब पेस्ट करना होगा तो एक ही बार में पेस्ट हो जाएगा, आपको बार बार पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं सर? चाहे वो एक्सेल फाइल पे हो, एक पर्टिकुलर डेटा हो, या इंटरनेट से हो, या पीडीएफ से हो, कहीं से भी, अगर आपको कई सारे चीज को कॉपी करके एक्सेल पे ले जाना है तो आपको कॉपी करके फिर जाइए पेस्ट कीजिए, फिर कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए, नहीं, आप एक बार क्लिपबोर्ड ऑन कर दीजिए और तसल्ली से आप डेटा को कॉपी कर लीजिए, फिर जहां पेस्ट करना है वहां एक बार जाके पेस्ट कर दीजिए। समझे? समझा सर। आपको समझ में आया महेंद्र जी? म्यूट है सर, समझ गए? यस सर। ओके, तो यहां पे हमारा जो है क्लिपबोर्ड खत्म होता है, मतलब कि हमने यहां एक टॉपिक कंप्लीट कर ली जिसमें हमने कॉपी पेस्ट करना, पेस्ट स्पेशल करना, ये चीजें सिखाई आपको। अब अगला जो आता है हमारा फॉर्मेटिंग ट्रिक्स वगैरह आता है, ठीक है। लेकिन सर वो ट्रिक्स वगैरह क्लासेस जो है हम देंगे।